ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को एक साल से भी अधिक समय हो चुका है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया समय समय पर कांग्रेस नेताओं के निशाने पर रहते आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुरुआप से कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी परिचित है। ऐसे में कांग्रेस के नेता अब यह कहने लगे हैं कि जो महापुरुष अपने 17-18 विधायक लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, वह सब अपने आप को बॉस मानते हैं, लेकिन बीजेपी में बॉस की नहीं संगठन की चलती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई एवं वरिष्ठ नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेताओं पर कुछ इसी तरह से तीखा प्रहार किया है। एक मीडिया संस्थान को दिए अपने एक इंटरव्यू में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सूबे की शिवराज सरकार की यह सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। उन्होंने सभी विधायकों को अपने पक्ष में किस तरह लिया यह सब जानते हैं। माना कि उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं, लेकिन वह कैसे आए हैं और उसके बाद किस तरह बीजेपी में दरार पड़ गई है यह सब जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो फिर जो भारतीय जनता पार्टी में समर्पित भाव से काम कर रहे हैं उनसे जाकर पूछिए। वही कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं उनके साथ गए अन्य विधायकों को लेकर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जो महापुरुष अपने 17-18 विधायकों को लेकर भाजपा में शामिल हो गए, वे कभी हमारी पार्टी में थे और हम उनकी आदतों को अच्छी तरह जानते हैं। वे सभी नेता अपने आप को दूसरों पर थोपने में माहिर हैं। उनमें से कोई भी नेता किसी को भी अपना बॉस नहीं मानते क्योंकि वह खुद अपने आप को बॉस मानते हैं, लेकिन भाजपा में यह नहीं चलता क्योंकि वहां उनका संगठन काम करता है। संगठन में और ये जो दल बदल कर गए हैं, देख लेना आने वाले समय में इनके बीच में टकराव और भी ज्यादा होगा। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सिंधिया के साथ जो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनमें से 14-15 मंत्री बनाए गए, लेकिन वे मंत्री पहले भी थे, चले गए फिर भी मंत्री ही बने, तो फिर फर्क क्या है। सिंधिया समर्थित 14 नेताओं को मंत्री पद दिया गया था। कमलनाथ इससे ज्यादा और क्या करते। कोई अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करके यह तो नहीं कह देगा कि आओ बैठ जाओ। आप देखिए कि शिवराज सिंह ने भी ऐसा नहीं किया, जैसे यहाँ थे वैसे ही वहाँ हैं, बल्कि वहाँ जाने से आने वाला 2023 का चुनाव बताएगा कि बीजेपी को और उन नेताओं को कितना नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने गरीब तबके को डराया कि आपका राशन कार्ड बंद कर देंगे, इस कारण कोरोना से डरे लोगों ने उन्हें वोट दिया, पर अब ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली। आपको बता दें कि जब कमलनाथ सरकार गिरी थी तो इसका आरोप सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर लगाया गया था। उस समय कहा गया था कि दिग्विजय सिंह की महत्वाकांक्षाओं के कारण कमलनाथ की सरकार गिर गई। इस पर जवाब देते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इस प्रकार की अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं, यह मुझे नहीं पता। वे 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सांसद हैं, परिवार के लोग पदों पर हैं, उनकी बस एक ही महत्वाकांक्षा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा हुआ है और उनके साथ सभी पार्टी के कार्यकर्ता भी यही सोचते हैं। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने वाली ममता बनर्जी ने दिल्ली में कमलनाथ से मुलाकात की। इसे लेकर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी हमारी पार्टी की सांसद रह चुकी है और वे एक हिम्मत वाली महिला हैं। ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं। अगर दो विचारधारा वाली पार्टी एक साथ आए तो आने वाले समय में अच्छा विकल्प रहेगा। ऐसे में 2024 में परिवर्तन जरूर दिखेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।